हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का है, जो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन जो है प्रेजेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ब्लॉक ऑफ अ जीन इन एडिशन टू नॉर्मल हैप्लोइड कॉम्प्लीमेंट इन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। एक नॉर्मल क्रोमोसोम में अगर हमें एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मिल जाए तो उसे डुप्लीकेशन कहते हैं। दिस कैन बी ऑफ फ्लोइंग टाइप, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। बेस्ड होता है ये ऑन पोजीशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट, कि कहाँ पर वो एक्स्ट्रा सेगमेंट जाके अटैच हुआ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास जो डिलीटेड पीस है वो है BC एंड नॉर्मल क्रोमोसोम है हमारा ABCD.EF। तो सबसे पहला जो हमारा डुप्लीकेशन है वो है टैंडिम डुप्लीकेशन। द एडिड सेगमेंट पोजेस द सेम जेनेटिक सिक्वेंस एंड इज इनकॉर्पोरेटेड नेक्स्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल सेगमेंट इन द क्रोमोसोम। इसके अंदर जो है हमारा जो डिलीटेड पीस है वो नॉर्मल क्रोमोसोम में नेक्स्ट टू द ओरिजिनल क्रोमोसोम का जो पेयर है उधर चला जाएगा। द डुप्लीकेटेड सेगमेंट अब जो है हमारा वो है ABCBCD.EF। एज यू कैन सी इन डायग्राम, टेंडिंग डुप्लीकेशन में हमारा जो क्रोमोसोम था वो कैसे डुप्लीकेट हुआ है, ABCBCDE.F। देन नेक्स्ट इज टेंडिम रिवर्स या रिवर्स टेंडिम। इसके अंदर जो हमारा ब्रोकन सेगमेंट है वो इनकरप्टेड होगा टू नेक्स्ट टू द कोरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल सेगमेंट इन द क्रोमोसोम बट इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब जो हमारा डिलीटेड सेगमेंट है वो अटैच वहीं होगा जाके जो उसका ओरिजिनल सेगमेंट है, बट रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। तो हमारा जो न्यू जीन है वो बनेगा ABCCBD.EF। इन द डायग्राम यू कैन सी द रिवर्स स्टैंडिंग ABCCDDEF। नाउ गो टू नेक्स्ट, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इसके अंदर जो हमारा ब्रोकन सेगमेंट है वो इनकरप्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इन द क्रोमोसोम आइदर ऑन द सेम आर्म और ऑन द अदर आर्म। इसके अंदर जो हमारा डिलीटेड जो हमने सेगमेंट लिया है वो उसके ओरिजिनल सेगमेंट के साथ नहीं जुड़ेगा जाके, उसकी जगह या तो वो सेम आर्म पे जुड़ जाएगा या अदर आर्म पे। जो दो तरह के हो सकते हैं, जो है होमोब्रैंकियल डुप्लीकेशन एंड हेटरोब्रैंकियल डुप्लीकेशन। होमोब्रैंकियल डुप्लीकेशन में जो है उसका सीक्वेंस, फिर हमारे न्यू जीन का सीक्वेंस जो है वो होएगा ABPCCDEF। एंड देन हमारा जो हेटरोब्रैंकियल डुप्लीकेशन होगा वो होगा ABCD एंड EBCF। इसमें आप देख सकते जो हमारा डिलीटेड ब्रोकन सेगमेंट है वो फर्स्ट में सेम आर्म पर हुआ है BBCC एंड जो हमारा दूसरा है वो दूसरे आर्म पे हेट्रोब्रैंकियल में ई और एफ के बीच में BC जॉइंट हो गया है। देन वी गो टू ट्रांसपोर्ट डुप्लीकेशन। इसके अंदर जो हमारा ब्रोकन सेगमेंट है गेट अटैच टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब AB क्रोमोसोम नहीं है वो, इसके अंदर ये अलग ही किसी क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाएगा। एंड नाउ द डुप्लीकेटेड सेगमेंट जो होगा वो हमारा होगा AB123.56 और 1234.5BC6। जो 1234.56 है ये एक अलग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है जो हमारे ABCD.EF में इंसर्ट हो गया है आके। सॉरी फॉर दिस। नाउ गो टू आर नेक्स्ट एंड लास्ट डुप्लीकेशन विच इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। इफ द इनकरप्टेड सेगमेंट इज सेंट्रोमेरिक इन द डुप्लीकेशन द क्रोमोसोम इट मे बी बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेल एंड बिहेव एज इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। जो हमने क्रोमोसोम इंसर्ट किया है
और वो डुप्लीकेट हुआ है, वो अपने एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम के उसमें ही बिहेव करने लग जाएगा, जिस जैसे जो हमारा वो बनेगा वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच डी एफ आई जे. थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो.